वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स एंड डायग्राम है। आज हम बात करेंगे एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस के जो साइकिल होते हैं उसके बारे में। पहले इसमें हमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन होते हैं, मतलब ग्लूकोज का फॉर्मेशन में डिवीजन होता है एंड देन लास्ट प्रोडक्ट आता है पाइरूवेट। ये जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होते हैं। फर्स्ट होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज जो होता है वो हेक्सोकाइनेज ग्लूकोकाइनेज इंजाइम के थ्रू डिवाइड होके ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनाता है। देन ग्लूकोज 6-फॉस्फेट ग्लूकोज फॉस्फो आइसोमेरेज से इंजाइम्स के वजह से फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट में ट्रांसफर होता है। देन फ्रुक्टोज फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज इंजाइम फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट में ट्रांसफर करता है। देन फ्रुक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट दोनों उसमें डिवाइड होते हैं। एल्डोज जो होती है उसके बीच की एंजाइम होते हैं, पहले वाला होता है ग्लिसरल डिहाइड 3-फॉस्फेट एंड दूसरा होता है डिहाइड्रोक्सी एसीटोन और इसका बीच का जो एंजाइम होता है ट्राइसीफॉस्फेट आइसोमारेज। देन जो ग्लिसरल डिहाइड 3-फॉस्फेट होते हैं उसका डिवीजन होके पाइरूवेट बनता है, लेकिन डिहाइड्रोक्सी एसीटोन का कोई डिवीजन नहीं होता। तो यहाँ पे ग्लिसरल डिहाइड 3-फॉस्फेट G3P डिहाइड्रोजिनेज, मतलब ग्लिसरल डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के थ्रू 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट में ट्रांसफर होता है और देन 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम के थ्रू 3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट में ट्रांसफर होता है एंड फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज 3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट को 2-फॉस्फोग्लिसरेट में ट्रांसफर करता है। देन जो एनोलेज एंजाइम होता है वो 2-फॉस्फोग्लिसरेट से फॉस्फोफिनोल पाइरूवेट में ट्रांसफर करते हैं। देन पाइरूवेट काइनेज फॉस्फोफिनोल पाइरूवेट को पाइरूवेट में ट्रांसफर करते हैं और ये जो है ना ATP ये सारे इस प्रोसेस को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये रहा हमारा पूरा साइकिल समझ में। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ऐसे छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन के लिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।